हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं और तमाम जो यात्री हैं वो हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से रेलवे ने टिकट की के नियम चेंज किए हैं, टिकट बुकिंग के नियम चेंज किए हैं, 4 महीने से घटा करके 2 महीना कर दिया है, जो आम यात्री हैं उनके ऊपर कितना फर्क पड़ता है, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, हम लोग ये सोचता है, देखिए चार मास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर हम लोग जब घूमने जाएगा, जब बाहर जा टूर में जाएंगे और किसी काम में जाएंगे, जो भी हो, इनको जरूरी होता है कि अर्जेंसी होता है टिकट होल्ड करना, टिकट पहले रिजर्वेशन करना। इसीलिए हम सोचता है कि 2 महीने अच्छा होता है। शॉर्ट टाइम अगर होगा तो हमको प्रोग्राम भी शॉर्ट टाइम में हमको सिलेक्ट कर सकेगा, नहीं तो 4 महीने के बाद प्रोग्राम सिलेक्ट करके बाहर जाना कोई ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा टाइम लगता है, 6 महीना के। आप लोग बताइए कि क्या इससे सुविधा हुई है या नुकसान हुआ है? 2 महीने में भी सुविधा हुआ है क्योंकि 4 महीने बहुत ज़्यादा टाइम है। तो किसी को तबीयत अच्छा नहीं रहेगा तो फिर से कैंसिल करना पड़ेगा। 2 महीने ठीक है, मेरे हिसाब से 2 महीने ठीक है, बहुत अच्छा दिया। आप बताए, 2 महीने हम लोग के लिए अच्छा है। सब में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, लेकिन 2 महीने हम लोग के लिए अच्छा है। मेरे हिसाब से 2 महीना जो है ठीक ही है। 4 महीना होने से क्या होता है, कभी कभी ब्रोकर लोग जो ब्रोकिंग कम्युनिटी जो है उसका मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, विच विल बी लेसर इन द केस इट इज लिमिटेड टू 2 मंथ्स। तो मेरा तो कहाँ से आ रहा है? कलकत्ता से आ रहा है। और इसमें क्या होगा, इसमें खास करके जो लोग सीरियस है ट्रैवलिंग के बारे में वो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे एज कम्पेयर टू दोज हु वुड बी रिलक्टेंट और रादर मे बी येस मे बी नो, ऐसा करके जो लोग रहेंगे उसको 4 महीना होने से अच्छा रहेंगे। तो 2 मंथ्स आई थिंक इट इज़ ए गुड डिसीजन। क्या लग रहा है आप लोगों को? ठीक ही है, 2 महीने में ठीक ही होगा। वही प्रॉब्लम है जब हमने ओल्ड एज पीपल है ना, वो जो बुकिंग करता है 4 महीना पहले में तब ठीक नहीं रहता है, तबीयत कैसा होगा कैसा नहीं होगा, मैक्सिमम टाइम में वो कैंसिल हो जाता है। 2 महीने से सीरियस होगा, हमको सीरियस होने पड़ेगा कि टिकट लेने होगा। और लेकिन जो एजेंट दलाल लोग है ना, वो टिकट 4 महीना आगे पहले ही टिकट तुल लेता है, ऐसा जनरल पब्लिक आर टिकट नहीं मिलता है। इसीलिए आप सभी लोग कलकत्ता से? सब कलकत्ता से। तो कम से कम इतना तो तय है कि जो यहाँ पर कलकत्ता के यात्री हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि 2 महीना उचित है, यानी कम से कम बंगाल को तो इससे कोई समस्या नहीं है। कैसे नाम आपका? चंद्रशेखर। तो क्या आप लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा इस नए नियम का? टिकट के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमें 4 महीने पहले त्यौहार के टाइम में जो गाड़ियाँ कम है और पैसेंजर ज़्यादा हैं, तो इसलिए थोड़ा प्रायर प्लान करके वो टिकट 4 महीने में हो जाता था, अभी 2 महीने में थोड़ी सी और रश बढ़ जाएगी, वो दिक्कत होगा। कन्फर्मेशन में दिक्कत होगा। रेलवे ने जो टिकट बुकिंग के नियम बदले हैं उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित बिहार के लोग हैं। कुछ बिहार के यात्री हमारे साथ हैं। आप लोग बताइए कि क्या प्रभाव पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, 4 महीने से घटा करके 2 महीने कर दिया गया है एडवांस टिकट बुकिंग। क्या अच्छा यूँ है, उतना पहले जो था सो कम हो गया है, पहले 4 महीना पहले लेते थे तो अब 2 महीना पहले लेंगे। आप लोग बताइए। हम लोग वही विचार, बढ़िया हो गया, 4 महीना था ऐसे 2 महीना हो गया, बढ़िया हुआ है, हम लोग खुश हैं। आप बताइए। इसका सबसे बड़ा एक लाभ मिलेगा, एक आम जनता को ही नहीं, आपका सिर्फ फौजियों को भी लाभ मिलेगा। फौजी लोग भी क्या होते थे, पहले 120 दिनों के लिए जो बुकिंग करते थे उसका एक असर होता था कि एक तो उनका रेवेन्यू भी मतलब उनके पॉकेट से निकल के गवर्नमेंट के खाते में जाता था, एंड अनफॉर्चुनेटली जब उनका कभी कोई कैंसलेशन हो जाता था किसी भी कारणवश से उनका पैसा भी फंसता था और लास्ट मोमेंट उनको टिकट नहीं मिलती थी, तो उस कारण से प्रॉब्लम ये होता था लोगों को कि वो या तो MCO की तरफ जाते थे, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस होता था जो उनको टिकट देने में OBS समर्थ होते थे। तो एक देखिए फौजी होने के नाते और लोगों को ये प्रभावित करता था कि जब उनका समय का कमी होता है किसी भी चीज़ों को देखने के लिए समझने के लिए, और ट्रैवल टाइम भी अगर उनका सुकून से ना बीते तो जीवन का एक दूसरा पहलू भी है कि एक तो गवर्नमेंट के लिए काम करो और साथ में टिकट बुकिंग कैंसिल हो जाए 120 महीना पैसा देने के बाद भी, तो ये दुख का कारण बनता था लोगों के लिए। तो
तो ये 60 दिनों में ये होगा कि आदमी ये देख पाएगा कि कम समय में अगर उनको छुट्टी कम वक्त में मिलता है या थोड़े दिन के लिए मिलता है तो अपना टिकट हो सकता है वो बुक करके टाइमली अपने घर पहुंच सके और अपने परिवार वालों से मिल सके जो बहुत दिनों के बाद मिलते हैं। आम जनता के लिए भी जरूरी है कि उनका पैसा लंबे अवसर तक फंसेगा नहीं और लंबे अवसर तक जाएगा नहीं, तो एक फ़ायदे का चीज़ है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। इसमें गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है, रेलवे को भी फायदा है। तो आम धारणा ये है कि रेलवे के नए नियम से बिहार के लोग ज़्यादा प्रभावित हैं, लेकिन यहाँ पर जो बिहार के यात्री हमें मिले उनका कहना है कि इससे उनको सुविधा ही होगी, उनका जो पैसा है वो लंबे समय तक फंसेगा नहीं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमारे साथ कुछ बिहार के यात्री हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आप लोग बताइए कि क्या फ़र्क पड़ेगा रेलवे ने जो एडवांस टिकट बुकिंग का नियम बदला है, 4 महीने से घट के अब 2 महीने पहले ही एडवांस बुकिंग हो पाएगी, इससे आप लोगों पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे काफ़ी मुश्किल होगी क्योंकि ये बाहर फिर वो जो डीलर है वो दलाल है उसके थ्रू बनवाएंगे, फालतू पैसा लगेगा। 4 महीना पैसे 2 महीने में वैसे टिकट मिलेगा ही नहीं, बोलेगा है नहीं, फुल दिखाता है, तो 4 महीने पहले बन जाती थी टिकट। दिक्कत आएगी आप लोग? बिल्कुल दिक्कत आएगी, अगर एग्ज़ाम वगैरह हो किसी का तो वो उसमें परेशानी आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर हम 4 मंथ्स पहले बुकिंग करते हैं, अब 2 मंथ्स पहले अगर बुकिंग करेंगे तो परेशानी तो आएगी, पैसेंजर भी पॉपुलेशन भी हमारी इंडिया की बहुत ज़्यादा है, उससे तो परेशानी तो आएगी आएगी। बुकिंग में परेशानी आएगी सबसे बड़ी बात, और डीलर ज़्यादा पैसे मांगेंगे सबसे। वो तो टिकट जैसे 2 महीना के लिए हो चाहे 4 महीना के, कभी नहीं मिलता है, जैसे दिक्कत तो बहुत बड़ा दिक्कत है टिकट के लिए। किस तरह से परेशानी आई? अब परेशानी तो ऐबे करेंगे ना, पहले से करते थे तो अच्छा था। है अब 4 महीने की जगह 2 ही महीने पहले एडवांस बुकिंग हो पाएगी, आप लोगों को फायदा होगा नुकसान? ऑफकोर्स इसमें तो फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें एक बात और है, और ये हम रेल मिनिस्टर से आग्रह करना चाहेंगे कि ये जो बात जैसे ट्रेन के अंदर ये जो चलता है सर, जनरल वाली बोगी जो चलते हैं ना, जिसमें सर स्लीपर में सर सारा घुस जाते हैं, उस पर थोड़ा सा अंकुश होना चाहिए, और हर आदमी का ये फैसिलिटी जिस तरीके से 2 महीने का समय घटा दिया गया है उस पर क्या सोचते हैं आप लोग? पहले भी दिक्कतें थी 4 महीने की वजह से, क्योंकि हमेशा अधिकतर ये देखा गया है कि तत्काल पर ही निर्भर रहना पड़ता है, और आने वाले समय में भी ये परेशानी बनी रहेगी, मेरा ये मानना है। और रेलवे बाकी अच्छा कदम उठा रही है, और आने वाले समय में देखते हैं कि इस जो उपाय अपनाया गया है, नया रूल अपनाया गया, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है, ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। ये बेहतर भी है जो बैक टू बैक मतलब मेरे रेल मिनिस्टर ये एक्शन ले रहे हैं ना, इससे और अच्छा होगा और जनता का हित में इसकी भलाई होगा, क्योंकि सर मतलब रेल मिनिस्टर हम लोग के बारे में सोच रहे हैं और रेल के बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे आम जनमानस का कल्याण होगा सर। थैंक यू। तो सरकार के ऊपर जो आम जनता है उसका भरोसा बना हुआ है, और ज़्यादातर जो रेल यात्री हैं वो सरकार के डिसीजन को सही बता रहे हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि उनको रिजर्वेशन कंफर्म होने में दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ यात्री ये भी कह रहे हैं कि पहले भी ये दिक्कत आती थी और अभी भी ये दिक्कत आएगी। ज़रूरत इस बात की है कि रेल यात्री जब पैसा देता है तो उसी समय उसको कंफर्म टिकट मिले, वेटिंग का जो लिस्ट है वो ख़त्म होनी चाहिए और कंफर्म टिकट मिलने चाहिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.